ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर चल रहे धरने के 51वें दिन आज किसानों ने हवन से शुरुआत की। किसानों ने प्राधिकरण के अंदर बैठे कर्मचारियों और अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए हवन किया। आज से धरने की अध्यक्षता नागर ने और संचालन संदीप भाटी ने किया। किसानों ने अपनी समस्याओं के हल न होने पर धरना पर बने रहने की बात फिर दोहराई। किसान सभा के अध्यक्ष नरेंद्र भाटी ने कहा कि हम जिन मांगों को लेकर पिछले 51 दिन से धरनारत है, वह सारी मांग हमारी जायज है और दशकों से लंबित है, परंतु प्राधिकरण में बैठे हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की मानसिकता किसान विरोधी है। वह किसानों को किसी भी समस्या को हल करना नहीं चाहते। हमारे प्राधिकरण में वर्तमान में जो CEO है वह अस्थाई है। किसी अस्थाई अधिकारी से किसानों की समस्या हल नहीं हो सकती। हमें यहाँ स्थायी रूप से CEO की तैनाती। इसमें बहुत बड़े बड़े लीडर भी आने की अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं और कुछ पार्टियों के आ भी चुके हैं। तो हमें अभी सूचना मिली है कि जो हमारे एक लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि जिस सतपाल मलिक जी हैं जो पूर्व गवर्नर रहे हैं, उनसे भी उनका संपर्क हुआ। वो भी अपनी यहाँ इच्छा जाहिर कर रहे हैं आने के लिए। और हमारे जो चंद्रशेखर भाई हैं आजाद हिंद पार्टी के जो मुखिया हैं, उन्होंने भी यहाँ ऐलान करके गए कि खेतों किसानों की यहाँ जायज मांगों को मान लें, नहीं तो मैं 20 तारीख में अपनी पार्टी के साथियों के साथ हजारों की तादाद में आकर के दोनों गेटों को बंद कर दूंगा और पूरे प्राधिकरण को जाम कर दूंगा। ऐसे भाई आजाद पार्टी के जो मुखिया हैं चंद्रशेखर आजाद जी, वो यहाँ ऐलान करके गए हैं। संजय सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने भी ऐलान किया है कि यहाँ जो यदि किसानों की मांगों को नहीं माना जाएगा तो हम अपने लेवल पर वो संसद में उठाने का काम करेंगे। तो जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा।